Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. C++ ek object oriented programming language hai. Object oriented programming mein hum kaam karte hain classes aur objects ke saath. Sabse pehle class create karte hain, class mein attributes aur methods define karte hain, then us class ke objects create karte hain. To ab ye class, objects, attributes aur methods kya hain? Aap ye consider kare ki car ek class hai, to car ke attributes honge weight और कलर और कार के मेथड्स होंगे ड्राइव एंड ब्रेक. एट्रीब्यूट्स एक्चुअली होते हैं वेरिएबल्स और मेथड्स होते हैं फंक्शंस. तो अगर कार एक क्लास है और ये कार के एट्रीब्यूट्स और मेथड्स हैं तो इस क्लास के ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे? लेट्स सपोज बीएमडब्ल्यू फेरारी फोर्ड. इसी तरह अगर क्लास है फ्रूट तो फ्रूट के एट्रीब्यूट्स या वेरिएबल्स होंगे नेम टेस्ट साइज और इसका मेथड या फंक्शन होगा ई. तो इस क्लास के क्या ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो सकते हैं? लेट्स सपोज एप्पल मैंगो बनाना. तो अब आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट्स क्या है और क्लास के एट्रीब्यूट्स और मेथड्स क्या है. तो क्लास को आप ऑब्जेक्ट्स के लिए टेम्पलेट कंसीडर कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट एक इंस्टेंस होता है क्लास का. तो ये देखते हैं कि क्लास को क्रिएट कैसे करते हैं. क्लास एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है. क्लास क्रिएट करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे क्लास कीवर्ड, देन लिखेंगे क्लास का नेम. कोई भी नेम आप क्लास का रख सकते हैं. कर्ली ब्रैकेट्स, पब्लिक कीवर्ड, कॉलन. अब डिफाइन करेंगे क्लास के एट्रीब्यूट्स. एट्रीब्यूट्स एक्चुअली क्या होते हैं? एट्रीब्यूट्स एक्चुअली वेरिएबल्स होते हैं. स्ट्रिंग डेटा टाइप को यूज करने के लिए प्रोग्राम में स्ट्रिंग हेडर फाइल को इंक्लूड करेंगे. तो आप सोच रहे होंगे कि नाउन और टेक्स्ट तो वेरिएबल्स हैं, लेकिन ये पब्लिक कीवर्ड क्या है? पब्लिक कीवर्ड है एक्सेस स्पेसिफायर. तीन तरह के एक्सेस स्पेसिफायर्स होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड. पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर का मतलब है कि क्लास के एट्रीब्यूट्स और मेथड्स क्लास से बाहर एक्सेस हो सकते हैं, जबकि प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर का मतलब है कि क्लास के एट्रीब्यूट्स और मेथड्स आउटसाइड द क्लास एक्सेस नहीं हो सकते, जबकि प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर का मतलब है कि क्लास के एट्रीब्यूट्स और मेथड्स आउटसाइड द क्लास एक्सेस हो सकते हैं लेकिन सिर्फ इनहेरिटेड क्लासेस में. आप आगे जाके देखेंगे तो क्लास के एट्रीब्यूट्स और मेथड्स को डिफाइन करते हैं. मैंने अभी सिर्फ एट्रीब्यूट्स को डिफाइन किया है. क्लास को आपने एंड करना है सेमी कॉलन से. क्लास क्रिएट करने के बाद मेन फंक्शन स्टार्ट करेंगे. तो क्लास को क्रिएट करने के बाद मेन फंक्शन में क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे. क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए लिखेंगे क्लास का नेम, देन ऑब्जेक्ट का नेम. कोई भी नेम आप रख सकते हैं ऑब्जेक्ट का. माय क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया. नेक्स्ट इस क्लास में एट्रीब्यूट्स डिफाइन है. तो इन एट्रीब्यूट्स को एक्सेस करने के लिए लिखेंगे ऑब्जेक्ट का नेम डॉट एट्रीब्यूट का नेम, इक्वल टू ऑपरेटर और एट्रीब्यूट को या वेरिएबल को जो भी वैल्यू असाइन करनी है वो इधर लिखेंगे. इसी तरह दूसरे एट्रीब्यूट को एक्सेस करने के लिए लिखेंगे ऑब्जेक्ट का नेम डॉट एट्रीब्यूट नेम और इसकी वैल्यू सेट करेंगे. अब टेक्स्ट क्योंकि एक स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग को डबल कोट्स में लिखेंगे. तो क्लास को ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और क्लास के एट्रीब्यूट एक्सेस करके एट्रीब्यूट की वैल्यूज को सेट किया. नेक्स्ट अब इन वैल्यूज को स्क्रीन पर प्रिंट करवाएंगे. सी आउट टेन को प्रिंट करवाने के लिए लिखेंगे माय ऑब्जेक्ट डॉट नाउ. इसी तरह टेक्स्ट की वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए लिखेंगे माय ऑब्जेक्ट डॉट टेक्स्ट. एंडल ऑपरेटर का यूज किया है ताकि टेक्स्ट की वैल्यू नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो. एंड के लिखेंगे रिटर्न जीरो. तो फाइल को सेव करने के बाद कोड को
Students 10 and Hello World. आप एक क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं. उस क्लास का एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं. अगेन ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए क्लास का नेम लिखेंगे, ऑब्जेक्ट का नेम रखेंगे. लेकिन हर ऑब्जेक्ट का नेम डिफरेंट होना चाहिए. फर्स्ट ऑब्जेक्ट का नेम था माई ओबीजे, तो सेकंड ऑब्जेक्ट का नेम रखा है माई ओबीजे 1. कोई भी नेम हम ऑब्जेक्ट का रख सकते हैं, लेकिन हर ऑब्जेक्ट का नेम चेंज होना चाहिए. देन क्लास के एट्रीब्यूट एक्सेस करके एट्रीब्यूट की वैल्यू सेट करेंगे. देन क्लास के एट्रीब्यूट एक्सेस करके एट्रीब्यूट की वैल्यू सेट करेंगे. नेक्स्ट हम इन एट्रीब्यूट की वैल्यूज को डिस्प्ले करवाएंगे. गेन फाइल को सेव करेंगे, क्योंकि जब भी प्रोग्राम में कोई चेंजेस करते हैं तो रन करने से पहले फाइल को सेव करते हैं. तो इस तरह से आप एक क्लास की मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकती हैं, लेकिन हर ऑब्जेक्ट का नेम डिफरेंट होना चाहिए. अभी तो क्लास एट्रीब्यूट्स को डिफाइन किया है. नेक्स्ट देखते हैं क्लास मेथड को कैसे डिफाइन करते हैं. तो मेथड एक्चुअली क्या है? एक फंक्शन है. और फंक्शन को डिक्लेयर कैसे करते हैं और डिफाइन कैसे करते हैं ये आपको पता है. फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले लिखते हैं फंक्शन का नेम. कोई भी फंक्शन नेम आप रख सकते हैं. और फंक्शन नेम के स्टार्ट में लिखते हैं void. और फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं x फंक्शन को डिफाइन करेंगे. फंक्शन को डिफाइन करने के लिए आपके पास दो मेथड्स हैं. आप इनसाइड क्लास में फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं और आउटसाइड क्लास में. फंक्शन डिफाइन करने के लिए करली ब्रैकेट्स को यूज करते हैं. नेक्स्ट इस फंक्शन को डिफाइन करेंगे कि एक्चुअली ये फंक्शन क्या परफॉर्म करेगा. ये फंक्शन स्क्रीन पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा. माय ओबीजे डॉट नम की वैल्यू स्क्रीन पे प्रिंट करवानी है. यहाँ पे लिखेंगे माय ओबीजे डॉट नम. इस क्लास का ऑब्जेक्ट ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है और एट्रीब्यूट को एक्सेस करके एट्रीब्यूट की वैल्यू भी सेट की हुई है. नेक्स्ट अब क्लास मेथड को कॉल करेंगे. मेथड कॉल करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे ऑब्जेक्ट का नेम डॉट मेथड का नेम. नॉन ब्रैकेट्स, क्योंकि ये फंक्शन है तो फंक्शन नेम लिखने के बाद नॉन ब्रैकेट्स डालेंगे. फाइल को सेव करने के बाद कोड को रन करेंगे. सो आउटपुट इज 10 एंड हेलो वर्ल्ड. वो भी फंक्शन को इनसाइड द क्लास डिफाइन की है. नेक्स्ट अब देखते हैं कि आउटसाइड द क्लास फंक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे. आउटसाइड द क्लास फंक्शन को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे फंक्शन की रिटर्न टाइप void, क्लास का नेम scope resolution operator function name. Then function को define करेंगे curly brackets cout hello world. तो outside the class function को define करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे function की return type, क्लास का नेम, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और फंक्शन का नेम. देन फंक्शन को डिफाइन करेंगे. कोड को रन करके देखते हैं. तो इस तरह से आप मेथड को या फंक्शन को इनसाइड द क्लास भी डिफाइन कर सकते हैं और आउटसाइड द क्लास भी. अभी तो ये सिंपल फंक्शन क्रिएट की है. आप फंक्शन में पैरामीटर्स भी ऐड कर सकते हैं. आपको पता है कि फंक्शन में पैरामीटर्स एज अ वेरिएबल एक्ट करते हैं. तो x एक वेरिएबल है जिसकी डेटा टाइप है डबल. ये फंक्शन क्या करेगा? ये फंक्शन x की वैल्यू रिटर्न करेगा. अब क्योंकि ये फंक्शन x की वैल्यू रिटर्न करेगा जिसकी डेटा टाइप है डबल, तो फंक्शन नेम से पहले void की जगह लिखेंगे डबल. फंक्शन नेम से पहले डबल लिखने का मतलब है कि ये फंक्शन
function double value return करेगा. जबकि function name से पहले word लिखने का मतलब है कि function कोई value return नहीं करेगा. Previous example में function name से पहले word इसलिए लिखा था क्योंकि उस function ने कोई भी value return नहीं की थी. Just text को screen पे print करवाया था. Double data type को use करते हैं floating numbers को score करने के लिए. जो function को या method को call करेंगे parentheses में parameter की value pass करेंगे. जो method को call किया और parameter की value pass की, तो ये function x की value को return करेगा. Next इस value को screen पर print करवाने के लिए C of object को use करेंगे. Previous example में function ने कोई भी value return नहीं की थी जिसे screen पर print करवाते. Function भी define था C of hello world. Simply method को call किया तो screen पर print हो गया hello world. लेकिन इस फंक्शन में cout ऑब्जेक्ट डिफाइन नहीं है और ये फंक्शन x की वैल्यू को रिटर्न करेगा. तो x की वैल्यू को स्क्रीन पे प्रिंट करवाने के लिए लिखेंगे cout ऑब्जेक्ट का नेम डॉट फंक्शन नेम पैरेंथेसिस और पैरेंथेसिस में आप पैरामीटर की वैल्यू पास करेंगे. अब इस मेथड को कॉल करेंगे तो मेथड x की वैल्यू रिटर्न करेगा दैट इज 25.69. देन x की वैल्यू स्क्रीन पे प्रिंट होगी. यहाँ पे सबसे लिखेंगे क्योंकि अब ये फंक्शन डबल वैल्यू रिटर्न करेगा. अगेन फाइल को सेव करने के बाद रन करेंगे. सो आउटपुट इज 10 एंड 25.69. तो इस तरह से आप फंक्शन में पैरामीटर्स भी ऐड कर सकते हैं और फंक्शन कॉल करते वक्त पैरामीटर्स की वैल्यू पास करेंगे. एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें कार की क्लास क्रिएट की है और कार के एट्रीब्यूट्स हैं ब्रांड मॉडल ईयर और फंक्शन है स्पीड. फंक्शन को आउटसाइड द क्लास डिफाइन की है. क्लास के एट्रीब्यूट्स और मेथड्स को क्लास मेंबर्स भी कहते हैं. नेक्स्ट मेन फंक्शन में क्लास के दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए हैं और कार के दोनों ऑब्जेक्ट्स के लिए एट्रीब्यूट्स की वैल्यू सेट की है. नेक्स्ट इन पैरामीटर्स की वैल्यूज को स्क्रीन पे प्रिंट करवाया है और प्रिंट करवाते वक्त दोनों ऑब्जेक्ट्स के लिए मेथड्स को कॉल किया है. मेथड्स को कॉल करते वक्त पैरामीटर्स की वैल्यूज पास की है. फाइल को सेव करने के बाद रन करके देखते हैं. सो द आउटपुट इज कार ब्रांड मॉडल ईयर एंड स्पीड. तो इस तरह से आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्लास को क्रिएट करते हैं, क्लास के एट्रीब्यूट्स और मेथड्स को डिफाइन करती हैं, देन उस क्लास के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करती हैं. तो अब आपको क्लियरली अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट्स क्या है और क्लास के एट्रीब्यूट्स और मेथड्स क्या है. तो अभी आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की इस वीडियो लेक्चर की समझ आई और ये वीडियो लेक्चर आपके लिए यूजफुल था तो वीडियो को लाइक और शेयर करें. और अगर आप कोडिंग सीखना चाहते हैं और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें. इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. अल्लाह हाफिज़.